हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी लोग अच्छे से और सेफली होंगे अपने अपने घरों में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि जिसमें कि यूएई से इंडिया के बीच में फ़्लाइट को सस्पेंड कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, 15 डेज़ के लिए। उसके रिकॉर्डिंग थोड़ी न्यूज़ मिली है और उसको हमको डिस्कस करना है इस वीडियो में, एज वेल एज इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जैसे कि ये जो कि रिलेटेड है, जब भी आप दिल्ली में आ रहे हो बाहर से और आपको क्वारंटीन नहीं होना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, और थोड़ी इंटरनेशनल ट्रैवल से अदर अपडेट्स आपको दी गई हैं बहरीन से ट्रैवल के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखें तो आपको आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मेनली ये यूएई के ट्रैवल की जो अब लेटेस्ट गाइडलाइन है, जो कि एक दिन का सस्पेंशन हो गया था वो अब हो चुका है और फ्लाइट फिर से स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको वो अगर देखना है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और नई गाइडलाइन जाननी है तो ये वीडियो एंड तक देखें और हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन हो आपको तुरंत मिलती रहे। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको कमेंट्स में डालिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई दे सकें। और कोई भी यात्रा करने से पहले, आजकल ये डेली सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को ट्विटर और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक जरूर कर लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो को, देखिए इसको लास्ट तक। अगर ट्रैवल करना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि उनको एग्जेम्पशन मिल जाए क्वारंटीन के लिए, ट्रैवलर में सी एग्जेम्पशन फ्रॉम, जब भी आप दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करते हैं तो आपको 96 आवर्स पहले की कोई COVID-19 RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट, निगेटिव रिपोर्ट शो करनी पड़ेगी। तो और आपको इस वेबसाइट पर जाना है, newdelhiairport.in, यहाँ पर आपको अपना रिपोर्ट सबमिट करनी है जिससे कि आपको अप्रूवल मिल जाए। और गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर बिफोर प्लानिंग फॉर ट्रैवल, तो उन्होंने बोला है कि ओनली कंपेलिंग रीज़न, ह्यूमन डिस्ट्रेस और 10 इयर्स के बच्चों के साथ, कम बच्चों के साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि अगर आप इन केसेस को फॉलो करते हैं तो आपको होम क्वारंटाइन मिल सकता है, दैट इज़ मे बी परमिटेड फॉर 14 डेज़। एंड अगर आपको एग्जिबिशन चाहिए तो उसके लिए आपको इस newdelhiairport.in वेबसाइट पर जाकर आपको 72 आवर्स के अंदर की रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट करनी है, अप्रूवल लेना है। वही सेम इन्फॉर्मेशन इस गाइडलाइन में दी गई है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। हम अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इंडिया और बहरीन के ट्रैवल के लिए है। तो इंडिया टू बहरीन, जो इंडिया से बहरीन जाना जाते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बहरीन जाने के लिए इंडिया से वो लोग अलाउ हैं जो कि बहरीन के रेसिडेंट हो या एनी इंडियन नेशनल होल्डिंग टाइप ऑफ वीज़ा फ्रॉम किंगडम ऑफ बहरीन एंड और जिनकी डेस्टिनेशन बहरीन ही है। और सभी पैसेंजर्स को बीवेर बहरीन ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे इंडिया में आरोग्य सेतु है। और तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या लिखी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको कोविड टेस्ट के लिए वहाँ पहुँचने के बाद आपको पे करना है, शायद वो दो एक बार पहले पहुँचने में होगा, उसके 10 दिन बाद भी होगा। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है बहरीन टू इंडिया, कौन कौन अलाउ है इंडिया आने के लिए। तो इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड इन बहरीन, ऑल OCI एंड बहरीन नेशनल्स होल्डिंग वीज़ा इश्यूड बाई गवर्नमेंट। ये इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं कि जो बहरीन की यात्रा करना चाहते हैं। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो अब आने जा रही है वो UAE से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कल एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि UAE से इंडिया की जो फ़्लाइट थी वो 2 अक्टूबर तक बैन कर दी गई हैं। बट तो अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि दुबई सस्पेंड्स ऑल AI एक्सप्रेस फ्लाइट फॉर अ डे फ्रॉम ब्रिंगिंग पीपल विद कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट्स। ऐसे दो पैसेंजर्स थे जो कि दो डिफरेंट फ्लाइट्स में UAE पहुँचे, जो कि कोविड पॉजिटिव थे, उनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट भी थी। तो ये एक तरह का निग्लिजेंस था, तो उन्होंने UAE गवर्नमेंट ने अब स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ईच पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया नीड टू ब्रिंग कोविड निगेटिव रिपोर्ट। सो एयर इंडिया एक्सप्रेस सेड दैट फ्लाइट वॉज सस्पेंडेड 25 आवर्स ऑन फ्राइडे बाई द दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी DCAA एंड ब्रिंगिंग टू पैसेंजर्स ऑफ कोविड 19 पॉजिटिव सर्टिफिकेट ऑन August 28 एंड September 4।
सो एज पर यूए रूल ईच पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल कोविड 19 सर्टिफिकेट फ्रॉम आरटीपीसीआर डन 96 आवर प्रायर टू द जर्नी। सो मतलब कि दो लोग ऐसे पहुंच गए थे जिसके बाद ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। पहले ही बोला गया था कि ये फ्लाइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं 2 अक्टूबर तक 15 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद जब यहाँ की एयर इंडिया की अथॉरिटीज़ की ओर से कम्युनिकेशन किया गया, अपने पॉलिसी सेंड की गई, उसके बाद अब ये बैन हटा लिया गया है। और जो कि एयर इंडिया के ट्वीट से हम देख सकते हैं कि अब फिर से 19 सितंबर से लेके जो नॉर्मल फ्लाइट शेड्यूल था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको फ़्लाइट के शेड्यूल देखने हैं फिर से, तो आप फिर से जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये एयर इंडिया का ट्वीट था कि एआई इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट टू फ्रॉम दुबई ऑपरेट्स फ्रॉम एज पर द ओरिजिनल शेड्यूल फ्रॉम टुमारो सितंबर 19। तो थोड़े टाइम के लिए इशू हुआ, लेकिन हाँ अब ये इशू रिजॉल्व हो चुका है और एक दिन के सस्पेंशन के बाद फिर से एयर इंडिया अब फिर से उड़ान भरेगी यूएई के लिए। तो यूएई के लिए जो भी नई गाइडलाइंस उन्होंने प्रेजेंट की हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इस चलिए डिस्कस करते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो एक रिलीफ दी गई है कि पैसेंजर्स हु कैन नॉट ट्रैवल ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ एपीआई अप्रूवल कैन अवेल ए फ्री रेट चेंज इन द नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट, सो फेयर डिफरेंसेस मे बी एप्लीकेबल। सो अगर आपको कुछ एपीआई अप्रूवल नहीं मिलता है मीन्स यूएई की ओर से, तो आप अपनी फ्लाइट को चेंज कर सकते हैं फ्री रेट चेंज, बट आपको प्राइस डिफरेंस देना पड़ेगा जो कि इसमें मेंशन किया गया है। और उसके बाद अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। वो है नई गाइडलाइंस जो कि कल का इंसिडेंट था उसके बाद। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू यूएई द नेगेटिव कोविड 19 आरटीपीसीआर टेस्ट रिजल्ट शुड बी टेकन फ्रॉम आईसीएमआर प्योर हेल्थ रिलेटेड लेबोरेटरीज। सो ये आपको ICMR के थ्रू अप्रूव्ड लेबोरेटरी से ही होना चाहिए। आपका जो टेस्ट रिपोर्ट होती है वो इशू होनी चाहिए, ये नहीं कि आप पेंडिंग में पड़ी हुई है। और ये ड्यूली साइंड होनी चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए इन इंग्लिश दैट टू इंग्लिश लैंग्वेज में और इन द ओरिजिनल लेटर हैंड ऑफ द टेस्टिंग लैब। द टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी हैंड रिटन, ये हाथ से लिखा नहीं होना चाहिए। ओके, काइंडली नोट दैट फोटो कॉपीज ऑफ द टेस्ट रिजल्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो अगर आप फोटो कॉपी लेके जाना सोच रहे हो तो वो भी नहीं होगा। और 96 आवर का टाइम फ्रेम है, उससे ओल्ड 96 आवर से पहले की आपकी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि किस मेथडोलॉजी से आपका कोविड 19 टेस्ट होना चाहिए, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो NATCB मेथडोलॉजी इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड करेंटली। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब भी आप अपना कोविड टेस्ट कराने जाएँ तो आप उनको बताएं कि हमको अगर यूएई ट्रैवल करना है हमको इसी मेथड से दी गई रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि वही वो एक्सेप्टेबल होगी। इस ट्वीट में भी देख सकते हैं कि ये अटेंशन बोला गया है, ऑल इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट टू एंड फ्रॉम दुबई विल ऑपरेट एज पर द ओरिजिनल शेड्यूल फ्रॉम टुडे September 19, 2020। सो अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को टू एंड फ्रॉम ऑपरेट हो जाएंगी जो कि शेड्यूल है टुडे मतलब आज से। तो ये ट्वीट है September 19 करीब 8:30 मॉर्निंग का, जिसमें बोला कि दुबई के लिए टू एंड फ्रॉम इंडिया से जो फ्लाइट्स हैं वो एज पर द ओरिजिनल शेड्यूल सेप्टेम्बर 19 से स्टार्ट हो जाएंगी। सो कोई ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको बस नई गाइडलाइन जो कि डिस्कस की गई वो को फॉलो करनी है। आपको नई इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन एक बार चेक कर लेनी है एयर इंडिया की वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ मोका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड आपकी जिस जो भी कंट्री है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं यूएई जाना चाहते हैं तो वहाँ की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसे आपको फॉलो करना है। तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स ऑल, बी सेफ, हैप्पी जर्नी, जय हिंद।